This conference will now be recorded. Okay, so guys, I can understand three languages, English, Hindi and Bengali. So if you guys have any doubt in Bengali, you can ask me also in Bengali also, no problem at all. In Hindi also, in English also, these three languages I can understand. Okay, so our seminar or webinar will be, you know, in Hindi and English, the mix of these two languages. So I hope that you guys कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन कोई भी मोड पे करने आप करिए, डोंट वरी, ओके, सो यू कैन आस्क इन बंगाली आल्सो, यू कैन आस्क इन हिंदी आल्सो, एज वेल एज इन आस्क इन इंग्लिश आल्सो, सो लेट्स स्टार्ट, सो शुरू करें, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो वेबिनार का जो टॉपिक था, जो हम लोग का एजेंडा है, वो एक करके शुरू करते हैं. So thank you so much once again before because आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिए हो. 90% students are from the commerce background. Some of them are pursuing higher studies also. So all the very best to them. So just tell me one thing ki tally ke bare mein aap log kitna jante ho? Matlab jo students first time jin logo ke sath mera mulaqat ho raha hai aaj ye via ye webinar. So how comfortable you guys are in tally? Do you have any kind of knowledge in tally ke tally mein aise hota hoga, aise karte hai, something like that? Or totally completely new? To the tally. Nidhi ji is saying nothing. I mean, she is very new to the tally. Or apart from that, Ajit, Shobik, I hope ki I know you guys, dear. Apart from that, the students, please briefing me. Akash is saying tally. Yes, Akash, tally is accounting software. That is very good. I mean, it's very true. But my question, Akash, ye hai ki, आप क्या जानते हो इसके बारे में, मतलब आप कितना तक जानते हो कि सर आई नो के टैली ऑपरेट कैसे करते हैं, आई नो के टैली में इस तरीके से काम होता है, ये तरीका होता है, समथिंग लाइक दैट, एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस, सो दैट मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप लोग का अगर अंडरस्टैंडिंग अगर हम जान जाएंगे तो दैट्स व्हाई मैं स्टार्ट भी वैसे करूंगा ताकि आप लोग का ये एक घंटा डेढ़ घंटा जितना टाइमिंग हम लोग साथ साथ एक्सचेंज करेंगे नॉलेज का, ताकि आपका भी एक फायदा हो और हम लोग का भी ये वेबिनार सक्सेसफुल रहे, दैट्स व्हाई. But don't know exactly. Okay, fine. Okay, I know how to operate tally. Acha, Ranjana, you know how to operate tally. Very good. Okay, superb. So guys, आज हम लोग जो discuss करेंगे, अच्छा, create ledger, make some journal. Devulina Shah is writing. She knows tally. Okay, fine. अच्छा, तो guys, हम लोग का आज का जो classes का जो agenda है, जो webinar का जो agenda है, वो ये है sir कि टैली में जीएसटी के साथ कैसे हम लोग सेल परचेस का एंट्री करें, दैट इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, सर टैली से जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करें, बिकॉज आज हम कहीं पे एज एन अकाउंटेंट अगर ज्वाइन करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइफ ऑफ एन अकाउंटेंट, कि एक अकाउंटेंट का लाइफ कैसा होता होगा, खास करके प्लेस लाइक कोलकाता. सो बड़ा बाजार एंड सराउंडिंग या कोई भी जो हम लोग का इंडियन सिस्टम में यू नो डील करते हैं, सो बेसिकली वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब वो जब कोई कैंडिडेट को हायर करते हैं तो उन लोग को क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है ना, जैसे कि सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो या आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए हो, सो व्हेनेवर यू विल बी अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ पोस्ट, तो एम्प्लॉयर का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि व्हेनेवर आई विल बी हायरिंग दिस एंड दैट एम्प्लॉय ऑन दैट क्राइटेरिया बेसिस, तो वो ये सब काम संभाल के मुझे देगा, उसके बेसिस पे इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, उसके बेसिस पे उसका सवाल जवाब होता है एंड सैलरी बार्गेन होता है, वो लेटर ऑन पार्ट है. तो आज अगर मैं अगर बात करूं कोलकाता एंड सराउंडिंग एरिया का, तो मोस्ट ऑफ देम दे आर मेंटेनिंग देयर ऑल डे टू डे ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग एज वेल एज नॉन अकाउंटिंग लाइक पेरोल इन टैली, टैली ईआरपी 9. सो टैली एक ईआरपी है, ईआरपी सिस्टम है जहां पे आप अकाउंटिंग एज वेल एज नॉन अकाउंटिंग, नॉन अकाउंटिंग मतलब पेरोल का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कितने एम्प्लॉय है, कितना स्टाफ है, क्या उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन है, क्या है, सब चीज आपका यू नो मतलब ये सब चीज आपका नॉन अकाउंटिंग पार्ट में आता है, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप टैली पे आप लोग स्टॉक इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हो. तो ऐसा अगर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो आज हम लोग को टाइम बहुत ही लग जाएगा, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट रन करते हैं आज, ये मान के कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वेरी न्यू टू द टैली प्लेटफॉर्म, देन डोंट नो एग्जैक्टली कि टैली में कैसे ऑपरेट होता है,
ताकि आप लोग के साथ अच्छे से मुझे ये करने पे मौका मिले, और मैं एक चीज शेयर करूंगा आप लोग के साथ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, जहां पे मैं आप लोगों से शेयर करूँ कैसे हम लोग टैली पे सेल परचेस का एंट्री करते हैं, सेल परचेस बिल्स कैसे मार्केट का दिखते हैं, और आईसीए में हम लोग किस तरह का ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैं आप लोग कुछ बिल्स का डॉक्यूमेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन से हम लोग के स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, ताकि वी कैन एश्योर दैट कि वी आर विद आईसीएएस प्रोवाइडिंग 99% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और समटाइम्स 100%। तो ये एक दो तो बिल मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि कैसे हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग का ये मानना है कि अगर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग का स्टूडेंट्स का, कि वो लोग प्रैक्टिकली डील करें एंड प्रैक्टिकली वो लोग सब कुछ प्रैक्टिकली सीख जाए, तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन से ही सीखना अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग क्लासरूम थ्योरी में जो चीज करते हैं, जो चीज हम लोग को सिखाया जाता है, वो तो नॉलेज के लिए तो सही है, बट जब हम लोग मार्केट में चलते हैं, मार्केट में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग का रिक्वायरमेंट कुछ और ही होता है। और होता है मतलब कि हम लोग बीकॉम में या हम लोग का थ्रू आउट द अकाउंटिंग कोर्स में, जो भी हम लोग सीए में या बीकॉम जहां पे भी हम लोग पढ़े, तो हम लोग को सिखाया जाता है कि अकाउंटिंग जर्नल एंट्री कैसे होता है, एवरीथिंग। बट कभी हम लोग के साथ ये डील नहीं हो पाता है क्लासरूम में कि मार्केट में सेल बिल परचेस बिल दिखते कैसे। वो तो जब हम लोग मार्केट में एंट्री करते हैं तब हम लोग को पता चलता है, अच्छा परचेस बिल वो तो इस तरीके से आता है, बिल पे ये सब इंफॉर्मेशन रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको रिकॉर्ड करने का तरीका कोई मैनुअली नहीं है, एक कंप्यूटराइज तरीके से हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली उसके लिए हम लोग को वो नॉलेज होना चाहिए, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम लोग का सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हम लोग का वो कंप्यूटराइज नॉलेज भी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, टैली भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बात करूं तो एसएपी हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, टैली छोड़ के बड़ा बाजार में क्लाइंट लोग और भी यूज करते हैं, लाइक एक्सपर्ट यूज करते हैं, बिजी यूज करते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर कैन बी एनीथिंग, दैट इज अ मैनुअल से थोड़ा कंप्यूटराइज हम लोग हुए, ये सजीत बिजी सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। तो हम लोग आज ये जो बिल आपके सामने पेश किए, तो ऐसा ही बिलिंग के साथ हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लोग को स्टूडेंट को ये पता लगे कि मार्केट में हम लोग डील किस तरीके चीज से करेंगे, ताकि क्लासरूम में हम लोग जो भी 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल का जो भी ट्रेनिंग हम लोग ले साथ साथ, तो वो टाइम हम लोग का वेस्ट ना हो, एक ही बार ट्रेनिंग करे एंड पूरा मार्केट रेडी हो जाए। तो गाइज मैं आपके सामने एक बिल दे दिया हूँ, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बने हम लोग का। ये टैक्स इनवॉइस है, एक बिल है, और बिल पे आप इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो, यहाँ पे ऊपर एक जन का नाम है, बाहर में एक जन का नाम है, फिर गुड्स के नीचे डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली ये रॉ कपड़ा का ये फ्लीस जो है, आप जब कोई कपड़ा मैन्युफैक्चरर का कोई भी अकाउंट संभालोगे तो फ्लीस फैब्रिक ओके ये सब चीज बहुत सारा आइटम आता है, तो उसी के डिटेल्स है। नीचे डिलीवरी चार्जेस भी दिया हुआ है, नीचे जीएसटी का ब्रेकअप एवरीथिंग दिया हुआ है। तो मैं अगर आपसे सिंपल से सवाल पूछूं आप लोग से कि ये बिल आपको हाथ में देके अगर पूछा जाए कि ये सेल बिल है कि परचेस बिल है, तो क्या आंसर रहेगा आप लोग का? व्हाट विल बी योर आंसर, इज इट सेल बिल और परचेस बिल? आप लोग इनबॉक्स करोगे तो भी ठीक है, आप अगर अनम्यूट करके बोल सकते हो तो भी बोल सकते हो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो ताकि हम लोग के दोपहर का टाइम जो अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाए, और 1-1.5 घंटा जो भी हम लोग साथ साथ टाइम स्पेंड करें आपका भी कुछ फायदा हो, ताकि आपको कुछ नया सी सीखने को मिले। यस आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर इन द इनबॉक्स एंड एवरीवन सेइंग इज सेल बिल। आकाश इज सेइंग बिल तो एक ही है, सेल के पास सेल बिल है, ओके। शिवांगी इज ऑल्सो सेइंग सेल, परचेस के पास परचेस बिल। आकाश बोलना चाह रहे हैं सेल्स के लिए सेल्स बिल होगा, परचेस के लिए परचेस बिल होगा, समथिंग लाइक दैट। सुनिए, कोई भी इनवॉइस हम लोग के लिए सेल बिल होता है कि परचेस बिल होता है, ये डिपेंड करते हैं इनवॉइस इशू कौन करते हैं उसके लिए। यहाँ पे दो अलग अलग पार्टी का नाम आप देख सकते हो, एक पूजा होसियारी वाला पार्टी है जिसका पूरा एड्रेस आपके सामने है, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस, एवरीथिंग यू हैव दैट। और उसके ठीक नीचे आपका एक दूसरा पार्टी है, दैट इज महिमा क्रिएशन, और उसके ऊपर लिखा है बायर। अब क्वेश्चन ही आ रहा है, सर हम किसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं?
आज अगर हम लोग पूजा होशियारी का अकाउंटेंट होते हैं तो डेफिनेटली ये हम लोग के लिए सेलविल होगा, और आज अगर हम लोग महिमा क्रिएशन का अगर अकाउंटेंट होते हैं तो डेफिनेटली ये हम लोग के लिए परचेस बिल होगा। तो कोई भी बिल देख के सेल बिल होगा कि परचेस बिल होगा, जैसे आकाश तुम बोल रहे थे, एब्सोल्युटली राइट। ये हम लोग ऐसे डेफिनेट होकर नहीं बोलेंगे, हम लोग एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियसली सर हम किसका अकाउंटेंट है। तो अकाउंट्स आपको पता है वी आर डूइंग डबल एंट्री सिस्टम, इक्वल अमाउंट डेबिट भी होता है, इक्वल अमाउंट क्रेडिट भी होता है। तो आज हम लोग जो सेल एंट्री मानते हैं तो ऑपोजिट वाला में जो रहेगा वो तो परचेस एंट्री मानेगा। तो हम लोग को दोनों ही आना चाहिए, सेल्स बिल्स कैसे होता है एज वेल एज परचेस बिल भी कैसे हम लोग एंट्री करेंगे। तो कोई भी बिल वो हम लोग के लिए सेल बिल है कि परचेस बिल है, इट डिपेंड्स ऑन द बिल इशू कौन करता है। तो बिल इशू जो करेगा, जैसे कि पूजा होशियारी का नाम है सबसे ऊपर, तो पूजा होशियारी बिल इशू कर रहा है, तो पूजा होशियारी के अकाउंट में इसका सेल का एंट्री होगा। और आप अगर महिमा क्रिएशन का अकाउंटेंट हो तो आपके लिए क्या होगा, परचेस बिल होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, सेल्स के लिए ये जो टैक्स है ये लाइबिलिटी बन जाएगा, और परचेस के लिए ये जो टैक्स है ये हम लोग के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड आईटीसी, यस वो बन जाएगा। और मार्केट में हम लोग एक कहावत बोलते हैं कोलकाता में, पक्का बिल कच्चा बिल। तो ये एक प्रोफॉर्मा बोल सकते हो, एक ड्राफ्ट जो भी, एक रेप्लिका भी है जो भी है, बोल सकते पक्का बिल का। पक्का बिल मतलब जो बिल एकदम पूरा रूल के हिसाब से इशू हुआ है। जीएसटी के मुताबिक सबसे ऊपर लिखा रहना चाहिए टैक्स इनवॉइस, फिर बायर का सेलर का अलग अलग नाम विद एड्रेस, अदर डिटेल्स लाइक कौन से कुरियर के थ्रू डिस्पैच हो रहा है, व्हाट इज द सप्लायर रेफरेंस नंबर, कैसे डिलीवरी हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। एंड नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो गुड्स का सप्लाई करो, बीट गुड्स और सर्विस, उसको पूरा डिटेल विद देयर एचएसएन और एसएससी कोड। आप अगर जीएसटी का नॉलेज अगर आपको है, आपको अगर बेसिक चीज है, उससे एडवांस लेवल का नॉलेज अगर आप लिए हो, तो आपको पता होगा कि जीएसटी के अंदर गुड्स का सप्लाई हो या सर्विस का सप्लाई हो, हर एक कोड होता है। गुड्स के लिए एचएसएन कोड होता है, सर्विस के लिए एसएससी कोड होता है, तो वो कोड भी आपके सामने दिया हुआ है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, जीएसटी इनवॉइस में जीएसटी अमाउंट अलग से या सेपरेटली शोन होना चाहिए, तो ऐसे भी बिल पे शो हो चुका है। एंड उसके बाद नीचे सब चीज टोटल ब्रेकअप दिया हुआ है, एंड ऑब्वियसली जो पार्टी इशू करे उसका बैंक डिटेल्स, उसका सिग्नेचर सब बिल के नीचे दिया हुआ। तो ये बिल जब स्टूडेंट हैंडल करते क्लास में, हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग में, तो आप ही लोग बताइए कि क्या वो लोग और फ्रेशर कहलाएगा। ऐसा गारमेंट इंडस्ट्री का बिल है, ऐसा हम लोग का सर्विस इंडस्ट्रीज का बिल है, ऐसा हम लोग का और भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बिल है जो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग क्लासेस में। तो आप जब ये बिल का रिकॉर्ड करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आपको और नो मोर फ्रेशर, दैट इज कॉल्ड 99% और समटाइम्स वी आर सेइंग 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। नो निधि जी, इट इज इंटरस्टेट, विद इन द स्टेट है, बिकॉज सप्लायर का भी 19 है और रिसिपिएंट का भी 19 है। तो इंटरस्टेट जब स्टेट के बाहर होता है, आप वेस्ट बंगाल से हो, आप सप्लाई कर रहे हो उड़ीसा में, आप सप्लाई कर रहे हो झारखंड में, तो उसको इंटरस्टेट बोलते हैं। जब विद इन द स्टेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो ये इंटरस्टेट बिल है, इसके लिए हम लोग के यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आएगा। अगर इंटरस्टेट बिल अगर होता तो जिसमें आईजीएसटी आ जाता। तो ऐसा भी बिल है, आईजीएसटी वाला बिल भी है। तो हम लोग को सीखना ही है सर कि ये बिल को कंप्यूटराइज्ड में कैसे रिकॉर्ड करें, हाउ टू रिकॉर्ड दिस बिल इन टैली, हाउ टू रिकॉर्ड दिस बिल इन क्विक बुक्स और एसएपी, नंबर वन। एंड नंबर टू, उसके बाद इसी बिल से हम लोग, मतलब इसी तरह तरह का बिल का एंट्री से कैसे हम लोग जीएसटी फाइल के लिए रेडी करें, बीट जीएसटी 3B, बीट जीएसटी 1। एंड डेफिनेटली जीएसटी फाइलिंग के बाद जो चीज रह जाता है अकाउंटेंट का और एक काम करना पड़ता है, वो होता है रिसीप पेमेंट का एंट्री। तो ये अगर मेरा परचेस बिल है तो डेफिनेटली हम लोग को ये जो पार्टी है पूजा होशियारी, इनको पेमेंट भी करना है। एंड पेमेंट कैन बी पार्ट पेमेंट, पेमेंट कैन बी फुल पेमेंट, फिर पेमेंट के बाद हम लोग बीआरएस भी मिलाना होगा। तो एवरीथिंग, मतलब एक अकाउंटेंट एक ऑफिस में बैठ के, डेस्क में बैठ के उसको जो काम करना होता है, डिटो सेम टू सेम काम हम लोग क्लासरूम में साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। आई रिपीट, वी बिलीव दैट इफ वी वांट टू ट्रेन आवर स्टूडेंट प्रैक्टिकली, सो डेफिनेटली ही और शी मस्ट वर्क विथ सम प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स, लाइक प्रैक्टिकल सेल बिल, प्रैक्टिकल परचेस बिल, देन डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट एंड सो एंड सो, so that you can call yourself, yes, I have got the practical knowledge, now I can ready for the market, I can deal with any kind of industry, for this as a tally operator, as a junior accountant and other post also.
सो आज हम लोग इस तरह के बिल का एंट्री टैली पे करेंगे, फिर देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, जीएसटी के लिए कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यही हम लोग का पूरा एक घंटा का क्लास का एजेंडा है, क्योंकि ये एक घंटा का ये वेबिनार में तो हम लोग तो पूरा जीएसटी या पूरा टैली तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल भी नहीं है। तो एक ऐसा चीज करते हैं ताकि आपको भी आइडियाज हो रिगार्डिंग आईसीए एंड व्हाट द कोर्स वी आर ऑफरिंग टू आवर स्टूडेंट्स एंड व्हाट विल बी द बेटरमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दिस कोर्स, ये भी आप क्रैक कर पाओ, ये भी आप समझ पाओ। चलिए, इन द मीन टाइम आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हो, हम लोग टैली ओपन करेंगे और इस बिल को टैली को एंट्री करना चेक करेंगे। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क टिल नाउ द डिस्कशन में, कुछ है तो प्लीज इनबॉक्स करिए, अनम्यूट करके बोलिए, नहीं है तो उसमें नो लिख दीजिए इनबॉक्स पर ताकि आपको पता चले, मुझे पता चले यस वी गाइस आर लिसनिंग प्रॉपर्ली, आई मीन हम लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को। अजीत, जीएसटी रिटर्न तो कर सकता हूँ दोस्त, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इट टेक्स टाइम। जीएसटी 3 भी, जीएसटी 1 एक घंटे के सेशन में टैली विद जीएसटी, सर ये पॉसिबल कैसे होगा? मतलब मैं आपको वे आउट दिखा दूंगा कि इस जगह से जाके हम लोग जीएसटी रिटर्न जनरेट करेंगे, बट डिटो जीएसटी रिटर्न दैट विल बी यू नो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, बिकॉज वी आर कंडक्टिंग दिस सेमिनार विद ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोग को टैली प्लस जीएसटी दोनों पैरेलली लेके जाना है। ओके सर, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स एनी क्वेरी प्लीज आस्क। तो टैली में हम लोग इस चीज को एक बार एंट्री करेंगे, जो लोग पहला दफा टैली में देख रहे हो उन लोग को एक आइडियाज होगा कि टैली में इस तरीके से ओपन होता है, यहाँ पे जाके लेजर बनाना पड़ता है, ये आइटम का एंट्री करना पड़ता है, ऐसे मैचिंग करना पड़ता है, सो एंड सो। You guys have got a proper idea. आगे बढ़ू, आकाश, गवर्नमेंट पेमेंट स्टैट पेमेंट टैली से चालान जनरेट हो जाता है, बट पेमेंट आपको लॉग इन करके करना पड़ता है, जीएसटी पोर्टल में जाके लॉग इन करके बैंक अकाउंट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट एनईएफटी आरटीजीएस जो भी है आपको वहीं पे जाके करना पड़ेगा। टैली आपके लिए चालान बना के दे सकते हैं स्टैट पेमेंट का, ठीक है। GST payment is not a big deal nowadays. वो automatic हो जाता है। आप जो 3B upload करोगे, 3B से directly automatic हो जाता है। चलिए फिर tally में एक बार इस चीज को run कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको entry कैसे करें? तो tally में कोई भी चीज शुरू करने के लिए हम लोग को company बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो company creation वो सब चीज boring चीज में अभी करूंगा नहीं अभी आप लोग के साथ, बिकॉज वैसे ही हम लोग को उतना टाइम है नहीं वेबिनार में डिटेल में, तो वो जब टैली क्लास हम लोग साथ साथ करेंगे तब वो सब चीज समझ जाएंगे कि टैली में कंपनी बनाते कैसे, क्या करते हैं, ऑल दैट। अभी हम लोग को यही देखना है कि ये जो पर्टिकुलर बिल जो है हम लोग के पास, ये जो बिल जो आया है, ये बिल का एंट्री हम लोग टैली पे कैसे करें, मतलब हाउ टू पास दिस एंट्री इन टैली एज अ परचेज बिल। बिकॉज हम लोग मान के चल रहे हैं ये महिमा क्रिएशन के बिहाफ में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो ये परचेज बिल की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे इन टैली। ओके, तो टैली पे हम लोग जब एंट्री करते हैं, से फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली वाला जो ऑप्शन है, ये टैली का ऑफिशियल जहां से हम लोग मेनू है, जहां से हम लोग सारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये मास्टर एंड ट्रांजैक्शन दो वाइटल एरिया है इन गेटवे ऑफ टैली वाला ये मेनू पे। ट्रांजेक्शन वाला जो एरिया है यहीं से हम लोग का वाउचर रिकॉर्ड स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर, जो भी वाउचर आपको रिकॉर्ड करना है आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो अगर हम लोगों को परचेस बिल टैली पे रिकॉर्ड करना है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड वाया परचेस वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके F9 शॉर्टकट की होता है, वो हम लोग के लिए यू नो मतलब ये परचेस का एंट्री हो जाता है। बट फर्स्ट टाइम हम लोग जब टैली में एंट्री करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो अगर जीएसटी वाला इनवॉइस को एंट्री अगर करना है हम लोग को सर, तो एक काम हम लोग करना होगा वो है हम लोग का टैली पे जीएसटी का जो ऑप्शन आता है वो इनेबल करना पड़ेगा। इंडियन सिनेरियो में जितना सारा टैक्सेशन होता है लाइक टीडीएस, जीएसटी, टीसीएस, वो सारा चीज टैली में प्री डिफाइंड है, आपको खाली उसको इनेबल करना पड़ता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग ये चीज करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग देखेंगे तो जीएसटी को इनेबल करेंगे। कैसे इनेबल करेंगे? टैली का सारा फीचर जो होता है, टैक्सेशन का फीचर्स या कोई अकाउंटिंग फीचर्स या कोई इन्वेंटरी फीचर,
वो सारा A11 ऑप्शन पे रहता है, गेटवे ऑफ टैली। यहां से आप A11 प्रेस करोगे तो आपके सामने ये देखिए तीन ऑप्शंस आपके सामने आ गया है, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी एंड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो जीएसटी का जो फीचर्स है वो इसके अंदर है। ओके, एंड आपका जो पहला ऑप्शन है यू कैन सी दैट दैट इज द जीएसटी। तो ये ऑप्शन को यस करना पड़ता है एंड उसके नीचे जो ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स है उसको भी आपको यस करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये विंडो ओपन आ जाएगा डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स का, जहां पे आप आपका क्लाइंट का या आप अपना जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे देना है। ओके, ये वाला में देना है। तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रीडिफाइंड मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप एंटर एंटर करके आप इसको सेव कर लीजिए एंड उसके बाद ये फाइनल इस जगह को आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो अजीत, दिस इज द वे टू एनेबल जीएसटी इन टैली बिफोर स्टार्टिंग एनी जीएसटी सेल परचेस का एंट्री। आप जीएसटी का सेल परचेस का कोई भी एंट्री करने से पहले दिस इज द वे आउट टू एनेबल द जीएसटी इन टैली। ओके, नाउ मूव ऑन टू द एंट्री पार्ट। सो वी फॉर वाउचर, तो हम लोग इस बिल का एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस बिल का एंट्री जब करेंगे तो परचेस मोड F9 प्रेस करने से परचेस आ जाता है। वैसे ही आप राइट साइड पैनल देखोगे तो सारा शॉर्टकट की आपको आ जाएगा। तो दिस इज द परचेस एंट्री, कहाँ गया हम लोग का, हाँ F9 परचेस, उसी में है हम लोग। तो हम लोग को पहले डेट देना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल आज का डेट का मैं एंट्री करना चाहता हूं। सो आज का डेट है, F2 प्रेस करने से टैली का डेट देना पड़ता है। तो आज का डेट से फॉर एग्जाम्पल 10 जून। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, अब ये जो इनवॉइस नंबर आपके पास है वो D2 आपको देना पड़ेगा, 4385 जो भी है। ये बिल मेरा पुराना है बट आज का डेट में मैं एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ। तो टैली पे जो डेट वाला कॉलम है यहाँ पे बिल का डेट देना पड़ता है, यहाँ पे बिल का नंबर देना पड़ता है परचेस बिल का। ये जो पार्टी है यहाँ पे आपको जहां से जिनसे आप परचेस कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो पार्टी से मैं परचेस कर रहा हूँ दैट इज पूजा होशियारी, तो पूजा होशियारी का नाम हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये देखो लिस्ट आ गया है पूजा होशियारी, बट फर्स्ट टाइम हम लोग जब बनाएंगे तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करने से हम लोग को लेजर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो पूजा होशियारी का लेजर हम लोग बना लिए। सिंस ये मेरा क्रेडिटर्स है, मतलब इसको इससे हम लोग परचेस किए, तो ये मेरा सैंडी क्रेडिटर्स है। तो सैंडी क्रेडिटर्स के अंदर उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, सारा चीज हम लोग डाल दिए। तो पूजा होशियारी को आप अगर सैंडी क्रेडिटर्स में डालिएगा तो टैली ऑटोमेटिक पार्टी को क्रेडिट ही करेगा। 8 purchase का एंट्री होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो पार्टी को हम लोग क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पूजा होशियारी का नाम अंडर सिंडिकेटर्स एंड उसके बाद हम लोग का पूजा होशियारी का एड्रेस वगैरह एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली पूजा होशियारी का जीएसटीएन नंबर, बिकॉज अगर हम लोग को ITC क्लेम करना है तो सेलर का सप्लायर का जीएसटीएन नंबर मेंशन करना है। ये हम लोग कर लेंगे, करके सेव कर लेंगे। उसके बाद ये जो परचेस वाला जो ऑप्शन है, सिंस वी आर डूइंग परचेस तो हम लोग एक परचेस लेजर बनाना पड़ेगा। टैली में रियल टाइम कोई भी लेजर अगर आप बनाने जाओ तो आपका जो शॉर्टकट जो होता है दैट शुड बी ऑल्ट सी। तो परचेस अकाउंट जब बनाओगे तो अंडर दैट परचेस लेना होगा एंड इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, इसलिए जीएसटी एप्लीकेबल कर दिए। और हम लोग गुड्स पे डील करते हैं, ये गुड्स का बिल है नॉट सर्विस, इसलिए हम लोग गुड्स कर लिए। तो हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग में यही प्रोवाइड करते हैं कि टैली में ये सब लेजर बनाते कैसे है, इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, ये अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो सारा चीज बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। उसके बाद ये टैक्स का क्लासिफिकेशन का विंडो आएगा। ये विंडो हेल्प करता है टैली में कि आपका बिल के ऊपर जो CGST SGST है या IGST है वो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे। देखो परचेस बिल पे तो CGST SGST IGST तो वो छाप के आएगा, हम चाहते हैं सिस्टम में जब रिकॉर्ड करे वो मैनुअली हम वैल्यू पुट ना करे,
वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। तो अगर आपका विद इन द स्टेट वाला बिल हुआ तो आपका जो ऑप्शन लेना पड़ेगा वो एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन है परचेस टैक्सेबल, आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, ले लिए। उसके बाद ये जो आइटम कॉलम में जब आ गया तो आप बिल को देख के अब एक एक करके सारा आइटम जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लीस बोल के एक आइटम है, रॉ कपड़ा इसको बोलते हैं हम लोग, गारमेंट्स वर्कर होता है। क्या क्या फिसबुली आपको आवाज क्लियर नहीं है सर? स्टेट्स अगर ना हो तो तब अनरजिस्टर्ड डीलर, तब हाँ नहीं नहीं विद इन द स्टेट अगर ना हो तो सर अनरजिस्टर्ड नहीं। अगर आपका रजिस्टर्ड पार्टी से अगर परचेस हुआ है, मतलब मान लो दिल्ली से परचेस किया आप बंगाल का हो, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड ऑप्शन है, तो ये वाला आपको लेना होगा इंटरेस्टेड परचेस टैक्सेबल, तो बिल पे ऑटोमेटिक आईजीएसटी आ जाएगा। आप अगर अनरजिस्टर्ड से परचेस किए सर तो डेफिनेटली उसका भी ऑप्शन है, आप दे सकते हो। यहाँ पे कपल ऑफ अनरजिस्टर्ड वाला ऑप्शन है, मतलब ये जो लिस्ट बना है ये टैली खुद बना के दिया आपको, ये इतना जीएसटी के अंदर आप इतना डिफरेंट वैरायटी ऑफ परचेस कर सकते हो। इवन आप अगर इम्पोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया वो भी ऑप्शन है यहाँ पे, इम्पोर्ट टैक्सेबल, इम्पोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, मतलब कस्टम ड्यूटी के अलावा भी हम लोग का जो जीएसटी कॉम्पोनेंट एड होता है वो होता है आईजीएसटी, तो वो आईजीएसटी आ जाएगा यहाँ पे। ये टैक्स का क्लासिफिकेशन डिसाइड करेगा आपका बिल का नेचर के हिसाब से, पार्टी कहाँ का है। तो पार्टी अगर सीजीएसटी एजीएसटी वाला है तो विद इन द स्टेट है सर, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा परचेस टैक्सेबल, बाकी टैली आपने आप कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नेम ऑफ द आइटम है, ये आइटम डिपेंड करता है आपका बिल्स के नेचर के ऊपर कि क्या क्या आइटम है, बिकॉज ये सब आइटम आपका स्टॉक का पार्ट है, यही आइटम आपका स्टॉक में जाके रिकॉर्ड होगा और आपका यही स्टॉक माना जाएगा। एंड जब आप परचेस करोगे तो इंक्रीज होगा, सेल्स करोगे डिक्रीज होगा, एट द एंड ऑफ द टाइम में जाके आप क्लोजिंग स्टॉक भी चेक कर सकते हो। तो ये मेंटेन करना अच्छे से आपको करना है। तो फ्लिस 006006 ये प्रोडक्ट का नाम है, ये बिल पे है, तो हम लोग ऐसे ही करके ये रिकॉर्ड भी हम लोग मेंटेन कर लिए। तो देख सकते हो ये वाला एक तो एंट्री हम लोग का है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे हम लोग मेंटेन करते हैं फ्लिस 6006। उसके बाद यूनिट, तो केजी में मेंटेन करते हैं, तो ये पे केजी यूनिट आ जाएगा, ठीक है। द मोस्ट इंटरेस्टिंगली स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन जब आएगा उसमें फ्लिस का सारा जीएसटी वाला डिटेल आपको देना पड़ेगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका इसके ऊपर जीएसटी रेट क्या होगा वो जीएसटी आपको यही पे डिफाइन करना होगा। तो सिंस ये आपका कपड़ा का इंडस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में जो नियम अभी है गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, चाहे आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, आपका गारमेंट्स का वैल्यू अगर पर यूनिट 1000 तक हो रहा है तो 5% जीएसटी लगता है। अगर आपका गारमेंट्स का वैल्यू 1000 से ऊपर इंक्रीज हो जा रहा है पर यूनिट, हो सकता है पर पीस हो, पर केजी हो, पर मीटर हो, अगर 1000 क्रॉस कर जाएगा तो 12% जीएसटी लग जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं अगर बात करूं, कंप्यूटर के ऊपर 12%, एयर कंडीशन के ऊपर 28%, समथिंग लाइक ऐसा जीएसटी होता है। लेकिन कपड़ा में ऐसा नहीं होता है, कपड़ा में दाम के ऊपर जीएसटी डिपेंड करता है, जैसे दाम बढ़ेगा जीएसटी रेट भी चेंज हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मतलब ये कहना चाह रहा हूं, सपोज मान लीजिए लॉकडाउन से पहले हमने कोई सामान परचेस किए थे हाई रेट पे, आपको हम लोग को पता ही नहीं था कि मार्केट ऐसा होने वाला है, दुनिया में ऐसा COVID-19 आउटब्रेक होगा, तो वी रियली डोंट नो। तो सपोज मान लीजिए वो स्टॉक हाई, मतलब हाई वैल्यू पे मैंने खरीदा हुआ था, मतलब 1000 से ऊपर, तो 12% जीएसटी उसके ऊपर देना पड़ा मुझे। लेकिन आज जब मैं प्रोडक्ट में बेचना स्टार्ट किया 3 महीने लॉकडाउन के बाद, तो मार्केट में मुझे दाम कम करना पड़ा, नहीं तो वो स्टॉक खाली नहीं होगा, बिकॉज पब्लिक के हाथ में पहले जैसा उतना पैसा नहीं रहा, तो पब्लिक परचेस कर पाए तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ा। अब जैसे ही मैं डिस्काउंट दिया मेरा लॉस ही हो रहा है पता है, बट मेरा वो वैल्यू कम हो गया। अब 1000 के नीचे जैसे ही हो जाएगा वही प्रोडक्ट जो आप 12% में खरीदे थे वो 5% हो जाएगा एज पर द नियम। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन टैली पे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? ये प्रोडक्ट का नाम है नेचर है फैब्रिक, ये उसका कोड है, ये जो क्लासिफिकेशन टाइप आप देख रहे हो, टैली आपको दो ऑफर करते हैं, रेट एंड वैल्यू। तो हम लोग अगर ऐसा कोई वैरायटी वाला ऑप्शन है तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑन आइटम रेट। तो जैसे हम ऑन आइटम रेट सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, जहां पे हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट मतलब बीट पर पीस और पर मीटर और पर केजी, जैसे वो क्वांटिटी मेजर होता है, अगर 1000 तक है तो 5% टैक्स लगेगा, और जैसे ही ग्रेटर देन 1000 होगा वो 12% हो जाएगा। ये टेबल जैसे ही मैं मेंटेन करूंगा, मुझे और कुछ नहीं देखना है,
कपड़ा का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा 12% ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे ही कम होगा 5% ऑटोमेटिक ले लेगा। ये जो सब जो मशीन नॉलेज का टेक्निक होता है, ये जो सॉफ्टवेयर का टेक्निक होता है, इसी को बोलते हैं स्किल। ये जो स्टूडेंट जितना जल्दी डेवलप कर लेता है मार्केट में, उसका उतना जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलता है। क्योंकि मैनुअल तरीके से हम लोग आज ये रिकॉर्ड करते नहीं, और हम लोग ढूंढते हैं, अगर सॉफ्टवेयर के लिए अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग का टारगेट वही रहेगा कि पैसे इन्वेस्ट करके कितना अच्छे से काम हो जाए। तो कपड़ा का इंडस्ट्री बोलो या शू मतलब जूता का इंडस्ट्री बोलो, उसमें ऐसे जीएसटी होता है, दाम बढ़ेगा हायर जीएसटी, दाम कम होगा तो कम जीएसटी। टाइप ऑफ सप्लाई दैट विल बी द गुड्स, एंड उसके बाद और कुछ नहीं चेंज करना है। ये सेव हो गया मेरा। अब यहाँ पे गोडाउन है तो गोडाउन का नाम डालेंगे, नहीं तो क्वांटिटी सीधा डालेंगे। तो क्वांटिटी कितना है हम लोग का, 180.870, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 180.870 केजीस ऑटोमेटिक ले लेगा। रेट कितना करके है, यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है 390 करके केजीस दिया हुआ है, मैं 390 दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और एक तो आइटम है ये वाला, चलो ये बनाना पड़ेगा, यहाँ पे तो है नहीं, एक तो है ये, इसको बनाना पड़ेगा, तो ऑल सी करके बना लेते। देखिए नीचे वाला जो आइटम है, ये नीचे वाला है, ये वाला 2640 RABNAV, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ले लिया हम लोग। एंड इसका क्वांटिटी कितना है, 76.490, जो दाम है वो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। और इसका केजीज है 430 करके, हाँ यस, तो ले लिया। तो देखिए हम लोग का दाम ऑटोमेटिक आ गया 70,539.30, 32.890 ये आ गया। एंड इसके बाद आप मार्केट में जब कोई बिल देखेंगे तो बिल पे आपका डिलीवरी चार्जेस दिखेगा, इसको हम लोग फ्रेट बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, जो बिल के साथ आते हैं। तो जब मेरे पास 25 बिल आया, मतलब ये सामान के साथ मुझे 450 रुपए डिलीवरी चार्जेस के लिए भी देना पड़ा। तो हम लोग डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे ले लेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस जो भी है, आप देख सकते हो कि हम लोग कैसे इसको लेजर को बनाए। तो डिलीवरी चार्जेस इज कमिंग अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको पता है कैरेज जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। एंड उसके बाद उसके भी जीएसटी डिटेल देना पड़ेगा, 5% जीएसटी उसके ऊपर भी लग गया। सर्विस है, डिलीवरी इज नॉट अ गुड्स इज अ सर्विस, और इसके ऊपर 450 रुपए का मेरा दाम आया, तो इंटर। टैक्स क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर भी सीजीएसटी लगा, तो परचेस टैक्सेबल करना पड़ेगा, लास्ट वाला ऑप्शन। एंड उसके बाद हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। तो ये मेरा इनपुट सीजीएसटी, देखिए मैं इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का वैल्यू जस्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और वो वैल्यू ऑटोमेटिक आ जा रहा है, 2597 2597। तो यही ये सॉफ्टवेयर का खासियत, जहां पे आप लोग को मैनुअल तरीके से नहीं, जहां पे आपको सारा चीज कंप्यूटराइज तरीके से एंड यू नो ऑटोमेटिक तरीके से आपको रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है। तो दिस इज द वे जहां पे हम लोग यू नो मतलब इस तरीके से टैली में सारा परचेस बिल, ये तो इस प्रोडक्ट के लिए हुआ, अगर इससे छोड़ के अगर कोई दूसरा तीसरा प्रोडक्ट आया तो सेम तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, वेबल डिटेल से तो डाल देंगे, नहीं तो हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का बिल का एंट्री। तो दिस इज द वे टू पास द परचेस बिल, इस तरीके से हम लोग परचेस बिल का एंट्री करते हैं। अब इसके बाद कैसे हम लोग जीएसटी रिटर्न में हम लोग प्रोसीड करेंगे, ये सारा एंट्रीज करने के बाद। ये देखिए, ये मैं एक छोटा सा सिंपल सा एंट्री आप लोग के साथ में शेयर किया। ऐसा बहुत सारा एंट्री हम लोग को करना पड़ता है क्लासरूम में, हम लोग प्रैक्टिस करते, बिकॉज आपको पता है बिजनेस अगर थोड़ा बड़ा होगा तो पर डे ऐसा सेल बिल परचेस बिल आपको भर भर के एंट्री करना होगा। तो वैसे भी हम लोग एक दो तो बिल नहीं होते, हम लोग जब टास्क अलॉट करते हैं तो स्टूडेंट को एकदम पूरा लगे कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी, इस तरह का टास्क हम लोग अलॉट करते हैं।
ऐसे 10 बिल 25 बिल एक साथ वो एंट्री करे, ताकि वो टाइम भी मेंटेन करना सीखे और आपको उसको पेशेंस भी आए। जैसे कि मान लो एक ऐसा बिल है इसमें, जो बिल है बहुत इजी, बट ये जब आप करने जाओगे तो आपको पेशेंस जो है बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही बिल पे आप आइटम अगर चेक करोगे तो कम से कम 40 आइटम है। तो अगर एक जगह बैठ के कोई स्टूडेंट को अगर मैं 40 एंट्री करने दूंगा, वो कर तो देगा, लेकिन देखना पड़ेगा वो टाइम कितना कम ले रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये सारा एंट्री करने के बाद 25 का जो डिटेल है, 25 बिल एंड उसका सिस्टम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो तो मार्केट में अकाउंटेंट जॉब में यही सब काम करना पड़ता है हम लोग को। ये मैं कपड़ा का इंडस्ट्री वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ऐसा ही बिल मिलेगा, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाओगे तो आपको भी रॉ मटेरियल का एंट्री करना पड़ेगा। खाली सिचुएशन चेंज होगा, बट कहानी जो है वो एकदम सेम रिपीट होगा। 25 का एंट्री करेंगे हम लोग, 25 का एंट्री करने के बाद हम लोग फिर सेल्स का एंट्री करेंगे एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके तो गाइस आगे बढ़े, जीएसटी में जाए। लोगों कोई डाउट है, कोई कहानी है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट अब तक ये देख के आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर आए। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम टैली देख रहे हो, कैसा लगा आप लोग को? मतलब आप लोग के मन में क्या सवाल आ रहा है अभी कि इजी है, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो संभाल लेंगे, समथिंग लाइक दैट? चलिए तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द जीएसटी फाइलिंग। तो हम लोग को अगर सारा मान का एंट्री करने के बाद अगर जीएसटी फाइल करने का मौका अगर मिले, तो हम लोग कैसे जीएसटी फाइल के लिए डॉक्यूमेंटेशन करेंगे? देखो, टैली से डायरेक्ट फाइलिंग हो जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट एक मिथ होता है, टैली से कुछ डायरेक्ट फाइलिंग वाइलिंग नहीं होता है। टैली आपको एक क्रेडेंशियल जनरेट करके देता है, जो आपको पोर्टल में जाके डालना पड़ता है, फिर वहां से रिटर्न प्रोसेस होता है। मतलब ऐसे नहीं कि टैली एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ये डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगा आपका जीएसटी वाला सर्वर से, ऐसा नहीं होता है। टैली आपको क्या करके देगा? टैली आपको क्रेडेंशियल बना के देगा, और वही क्रेडेंशियल आपको कहा क्या करना पड़ता है, वही क्रेडेंशियल आपको जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है और पोर्टल में रिटर्न फाइल हो जाता है। तो आपको सीखना ही है कि टैली से वो क्रेडेंशियल जो GSTR 1 या GSTR 3 भी फाइल करने के लिए दरकार होगा, वो कैसे जनरेट करेंगे, तो आपको वो दिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग डोमेस्टिक सप्लायर हो, डोमेस्टिक सप्लायर मतलब आप कोई एक्सपोर्ट में एंगेज अगर नहीं हो, तो इतना सा इंफॉर्मेशन से आपका GSTR 3 भी मंथली वाला फाइल हो जाएगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से, कुछ लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर जीएसटी फाइलिंग एक बार दिखा दीजिए, तो मैं चलिए टैली के बाद उसी में जा रहा हूँ। तो ये इतना सा इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है जो आपको हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, GSTR 3 भी फाइल करने में, प्रोवाइडेड आप एक्सपोर्टर नहीं हो। एक्सपोर्टर के लिए अलग रिक्वायरमेंट होता है, जो एक्सपोर्ट करते देश के बाहर जो लोग सामान बेचते हैं, विद इन द कंट्री अगर आप सप्लाई करते हो तो आपके लिए मोर और लेस इतना इन्फॉर्मेशन से आपका मंथली 3B जो होता है ना, जो रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करना पड़ता है, वो हो जाएगा। तो सर वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? वो ये बेसिकली ये चार इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या एक बार पढ़ लेते आइए। पहला इन्फॉर्मेशन जो है, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। इस सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इन्फॉर्मेशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ मंथली बेसिस। आपके इन्फॉर्मेशन मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करना होगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका बेसिकली सेल्स का इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा टैली से सेल्स का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है। उसके बाद आउटपुट CGST SGST IGST, मतलब सेल्स करने के टाइम पे आपका जितना जीएसटी आप चार्ज किए हो आउटवर्ड सप्लाई पे, वो अमाउंट आपको ढूंढना है, टोटल बिल वाइज नहीं, टोटल जीएसटी में आज तक जितना सारा रिटर्न मार्केट में अवेलेबल है, लाइक जीएसटी एनुअल रिटर्न, लाइक GSTR 9, मंथली फाइलिंग लाइक GSTR 3 भी, GSTR 1, ऐसा कोई भी रिटर्न में आज तक जीएसटी काउंसिल ने हम लोग से टोटल परचेस नहीं मांगा है।
हम लोग से क्या मांगते हैं, हम लोग से वो लोग पूछते हैं, दे आर आस्किंग फॉर टोटल इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। वो लोग हम लोग से मांगते हैं कि टोटल सीजीएसटी कितना है, टोटल एसजीएसटी कितना है, टोटल आईजीएसटी कितना है, इनपुट मतलब परचेस से जो आते हैं। एंड लास्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन है, ये डे वन से जीएसटी में ये चीज मांग रहा है, बट बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, बहुत लोग इसको फाइल करते हैं, बट सिंस ये आपका लाइबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है, तो ये अगर कोई ओवरलुक करके चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है। क्या है ये, अगर आपने कोई ऐसा परचेस किए हो, आई रिपीट, आपने कोई ऐसा गुड्स या सर्विस का परचेस किए हो जो नील रेटेड है, नील रेट मतलब जिसका रेट है 0%, जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मतलब जिसको जीएसटी लगता ही नहीं है, या फिर जो जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है, लाइक एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब नॉन जीएसटी सप्लाई, ये सब जीएसटी के दायरे में आता ही नहीं है। तो अगर ये सब चीज अगर आपसे परचेस हो रहा है तो इसका भी इंफॉर्मेशन कृपया करके जीएसटी 3B में दे दीजिए। अजीत, फाइलिंग तो अभी जीएसटी 3B एंड जीएसटी 1 ही मंथली करना पड़ता है, बट आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करते तो जीएसटी 1 जो है वो आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो। आप अगर रेगुलर टैक्स पेयर हो सर तो आपको जीएसटी 3B तो मंथली करना ही पड़ेगा, और अगर आप जीएसटी 1 भी अगर मंथली फाइल करना चाहते हो तो एज ऑफ 2 रिटर्न आपको रेगुलर इंटरवल पे भरना होगा जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3B। लेकिन अगर आपका 1 अगर क्वार्टरली ऑप्शन लेके रखे हो, आपका उतना ज्यादा सेल परचेस अगर नहीं होता है तो क्वार्टरली जाके 1 अपलोड करना पड़ेगा और मंथली 3B अपलोड करना पड़ेगा। हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन जो बोल रहे हैं ये जीएसटी 3B का है जो मंथली फाइल होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ढूंढना सीखना है, टैली से कहां से इन्फॉर्मेशन ढूंढे। तो टैली पे एक कंप्लीट एंट्री किया हुआ है, ऐसा एक कंपनी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा पाऊं कि कैसे इन्फॉर्मेशन ये आ जाता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर मंथ, से फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2019 एक मंथ में ले रहा हूं, और उसी मंथ का मैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन ढूंढना सिखा देता हूं। ये जो 1, 2, 3, 4 जी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन टैली का कहां से आ जाता है। तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या चीज का, सेल, सेल मतलब यहां पे एक चीज आप याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला फिगर आपको पूछ रहा है, मतलब 100 रुपए प्रोडक्ट का दाम है और 18 रुपए जीएसटी है तो टोटल वैल्यू हो जाते 118 रुपए। आपको यहाँ पे 100 रुपए लिखना है, 18 रुपए नहीं लिखना है, ठीक है। तो कहां से ढूंढेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आके आप प्रेस करिए कीबोर्ड से डी, डी फॉर डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट्स, एंड सेल्स ढूंढना है तो आप सेल्स रजिस्टर पे आ जाइएगा, डीएएस, तो आपका पूरा मंथ वाइज रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा अप्रैल से लेकर मार्च तक। उसके बाद आप जो मान चाहते हो, मैं यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल नवंबर मान चाहता हूं तो नवंबर मंथ सिलेक्ट कर लिया, तो नवंबर मंथ तो इतना सारा सेल्स का एंट्री होके रखा है मेरा सिस्टम पे। इसको मैं कॉलमनर फॉर्मेट पे कन्वर्ट करूंगा तो F5 प्रेस करना पड़ता है एंड देन इसको सेव करना पड़ता है, कंट्रोल ए। तो ये जो कॉलमनर प्रेजेंटेशन टैली बना के देता है, यहां से हम लोग का वो इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन निकल जाता है, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग मांग रहे थे। तो ये वाला जो स्क्रीन है, यहाँ पे जो वैल्यू कॉलम का जो टोटल है 2,90,000 और उसके साथ अगर कोई अदर चार्जेस है तो वो दोनों जोड़ के जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। 2,90,000 एंड 6,550 मेरा केस में जोड़ के ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू आ गया। आप लोग के स्क्रीन पे मेरा एक्सेल शीट दिख रहा है, तो एक्सेल शीट एंड टैली दोनों दिख रहा है तो साइमल्टेनियसली। सो गाइस ये हम लोग का फिगर लिख लिया यहाँ पे प्लस करके, ठीक है, एंटर, ये आ गया। उसके बाद सर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अगर हो तो सर इसी से ही हो जाएगा, हम लोग का ये वाला शीट से ही हो जाएगा। आप यहाँ पे नोटिस करो सीजीएसटी
9%, सीजीएसटी 6%, सीजीएसटी 2.5%, ये तीनों एंड लास्ट में और एक सीजीएसटी वाला ले जा रहे हैं, टोटल चार, मतलब 589 एक तो ये वाला एक तो, उसके बाद 6270 और एक तो, देन 4292.24 एंड 768, ये चारों चीज जोड़ के मेरा टोटल जो है, मेरा टोटल आउटपुट सीजीएसटी आ गया। और ये आप सबको पता है कि सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी होता है, बिकॉज 18 रुपए का जीएसटी होता है तो 9 रुपए सीजीएसटी, 9 रुपए एसजीएसटी होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ओके, तो देखो टैली में सेल परचेस एंट्री करने के बाद हम लोग खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे, मतलब ढूंढ रहे टैली से और उसको नोट डाउन कर रहे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सिमिलर विद एसजीएसटी ऑल्सो। तो एक और दो जो इंफॉर्मेशन है, ये एक नंबर वाला इंफॉर्मेशन है और दो नंबर में जो आइटम डाला है वो ये इंफॉर्मेशन है। मेरा क्लाइंट स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं किया इसलिए उसका आईजीएसटी नहीं आया, अगर उसका आईजीएसटी आ जाता तो वो भी ये लिस्ट से वो प्रकट हो जाता और हम लोग भी आईजीएसटी के वैल्यू लिख देते। इट इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, आईजीएसटी होता तो हम लोग यहीं से कॉपी करके वहां पे इंफॉर्मेशन डाल देते, हो जाता। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को ढूंढना है ये 25 वाला फिगर, ये 25 पे कितना टैक्स दिए। तो जैसे सेल रजिस्टर से सेल्स का इंफॉर्मेशन आया, वैसे ही 25 रजिस्टर जो होगा वहां से 25 का इंफॉर्मेशन आएगा। तो दिस इज माय 25 रजिस्टर, एंटर किए तो नवंबर मंथ का सेल था तो नवंबर मंथ के मैं 25 देख रहा हूँ, एंटर, ये सारा 25 बिल का एंट्री जो मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड हो चुका है। इसको कॉलमनार प्रेजेंटेशन करना है तो F5 फंक्शन की 5 प्रेस करना है एंड उसके बाद ये जो स्क्रीन है इसको सेव करना होता है, सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, ए फॉर अमेरिका। तो ये भी कॉलमनार में प्रेजेंटेशन हो जाएगा, बट यहां से मुझे टोटल 25 नहीं चाहिए, यहां से मुझे ओनली सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी का टोटल चाहिए। तो आप देख सकते हो सीजीएसटी 2.5% एक्टो है और सीजीएसटी एट रेट 6% और एक्टो है। तो मुझे ये दोनों जो टोटल वैल्यू है मंथली, ये दोनों वैल्यू को ऐड करके मुझे अलग से इसको रिकॉर्ड करना है। तो देख सकते हो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए। एंड सिमिलर इन इनपुट ऑल्सो, इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू ऑलवेज इनपुट एसजीएसटी, ऐसा होगा ही। एंड ये क्लाइंट स्टेट के बाहर से ना तो सेल किया स्टेट पे बाहर पे, ना तो स्टेट के बाहर से परचेस किया, इसलिए इसका कोई आईजीएसटी इनपुट या आउटपुट नहीं है, जो है वो सब सीजीएसटी एसजीएसटी है। अब यही इंफॉर्मेशन हम लोग को जीएसटीआर 3B में अपलोड करना है। तो आइए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। जीएसटीआर 3B क्लाइंट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, करोड़ों अरबों का क्यों ना हो, 3B आप ऑनलाइन भी करिए, टाइम कम लगता है। ऑफलाइन के थ्रू जाएंगे, फिर उसको क्रेडेंशियल डाउनलोड करो, उसको अपलोड करो, इतना करते करते आपका ऑनलाइन पे सबमिट भी हो जाएगा। तो मुझे जीएसटी देना है कि नहीं देना है, मेरा एडजस्टमेंट कैसे होगा इनपुट आउटपुट, वो सारा चीज पोर्टल अपने आप संभाल लेगा, मुझे खाली इतना से इन्फॉर्मेशन देने से काम बन जाएगा। तो वैसे भी आप देख सकते हो आउटपुट में 11,000 है और इनपुट में 15,000 है, तो जो लोग को इनपुट आउटपुट एडजस्ट करना आता है दे नो वेरी वेल, इस केस में तो पैसा देना नहीं है, उल्टा एक्सेस होगा। एक्सेस 3,987 रुपए हुआ है, दैट इज एक्सेस क्रेडिट, मतलब आउटपुट कम इनपुट ज्यादा, इसलिए ये जो भी कैलकुलेशन है ये पोर्टल संभालेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाले हैं ये पोर्टल में जाकर अपलोड करेंगे। तो क्या सर आप लोग आईसीएम में ऐसे पोर्टल एक्सेस स्टूडेंट को देते हो? आंसर इज येस, हम लोग पोर्टल एक्सेस भी स्टूडेंट को देते हैं। हम लोग के पास सिमुलेशन वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग का स्टूडेंट जो है वो 3B and 1 प्रैक्टिस करते हैं। आइए ये भी दिखा देते हैं। So, पोर्टल पे तो नवंबर मंथ तो हो गया हम लोग का, तो हम लोग एक बार मार्च का ही देख लेते। तो रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 19-20, उसका मार्च मंथ का फाइलिंग पेंडिंग है अभी, तो क्लिक ऑन सर्च, तो सर्च पे क्लिक करेंगे, करके आप देख सकते हो 1 and 3B ऑप्शन आर अवेलेबल, 2A read only होता है, वो फाइलिंग के लिए नहीं होता है।
हम लोग 3B को ओपन करेंगे। तो 3B जैसे ही ओपन करेंगे यू कैन सी दैट हम लोग के सामने एक ऑप्शन आता है, क्वेश्चन एयर आता है। तो क्वेश्चन एयर को हम लोग फिल करना पड़ता है। तो आप लोग जब क्लासरूम स्टडी स्टार्ट करोगे तो डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी एक चीज याद रखना, आप अगर सेल करते हो तो बी नंबर कॉलम में यस करना, आप अगर परचेस करते हो जिसके ऊपर आईटीसी है वो डी नंबर कॉलम में यस करना। बी और डी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स और परचेस के लिए, बाकी चीज इंटरेस्ट रेट फी नॉर्मल ये सब चीज के लिए होता है। तो जितना ऑप्शन यस करोगे आगे चल के उतना तो ही टेबल आपके सामने आएगा। तो सिंस हमने दोनों ऑप्शन को यस किए थे तो दोनों टेबल हम लोग के सामने आया, ये और ये। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का टैक्स का टेबल मतलब सेल का टेबल है 3 नंबर, और ये हम लोग का आईटीसी का टेबल है। तो 3 नंबर टेबल को ओपन करके जितना आपका सेल हुआ है वो सेल का फिगर एंड सीजीएसटी आप डाल दीजिए मैनुअल। 2,97,289.74 ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई था, ये डाल दिए और ये सीजीएसटी रजिस्ट्री डाल दिया हम लोग, ये मैनुअली डालना पड़ेगा। डाल के क्या करना होगा, हम लोग को सेव करना होगा कंफर्म। उसके बाद क्या करेंगे, एलिजिबल आईटीसी मतलब इनपुट जीएसटी, इसको ओपन करके हम लोग को ये ऑल अदर आईटीसी में आके ये सीजीएसटी रजिस्ट्री फिगर डालना पड़ता है। तो जितना है वो डाल दिए, 15,000 करके था, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया हम लोग का। मतलब दोस्तों हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाला जो कैलकुलेशन करके रखे है। ये करने के बाद हम लोग इसको भी कंफर्म करेंगे, सब चीज डालने के बाद नीचे आके पहले सेव करेंगे। ऑलवेज याद रखिए कोई भी रिटर्न सबमिट करने से पहले इसको सेव जरूर करिएगा। तो सेव किए चाहे वो इनकम टैक्स हो, टीडीएस हो, जीएसटी हो, व्हाटएवर, सेव कर लिए। सेव जीएसटी के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। तो प्रोसीड टू पेमेंट करके एकदम नीचे आके आप देख लीजिए क्या स्टेटस है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो 11,000 आपका आउटपुट जीएसटी था, आप देखिए 11,000 से वो सेटअप हो गया। तो सीजीएसटी से सेटअप हो गया, एसजीएसटी के साथ सेटअप हो गया, सीजीएसटी के साथ सेटअप हो गया, एसजीएसटी के साथ सेटअप हो गया। सारा चीज सेटअप होने के बाद आप इसको स्क्रॉल करके राइट में लेके आएंगे, ये 15 नंबर कॉलम में अगर कोई अमाउंट नहीं आ रहा है मतलब आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। अगर ये 15 नंबर कॉलम में अगर कोई जीएसटी अमाउंट आता तो उतना जीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ता बाय क्लिकिंग द ऑप्शन क्रिएट चालान। यहाँ पे 00 मतलब आपको कोई जीएसटी देने का दरकार नहीं है। वैसे भी हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग को जीएसटी देने का दरकार था ही नहीं। आउटपुट 11,000 है, इनपुट 15,000, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेटअप होकर इतना एक्सेस हो जा रहा है। ये सारा काम जो होगा वो पोर्टल करके इसी को हम लोग मेक पेमेंट करके सेव करके फाइल करना पड़ता है। तो दोस्तों दिस इज द वे टू फाइल द जीएसटीआर 3B। तो एक अकाउंटेंट जो होता है वो स्टार्ट करते हैं एकदम पूरा रिकॉर्डिंग से, फ्रॉम परचेस टू सेल, रिसीव, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एवरीथिंग। फिर उसी रिकॉर्डिंग से एक कंप्यूटेशन बनाया था जीएसटीआर 3B के लिए, एंड जिससे हम लोग ये 3B ऑटोमेटिक फाइल होता है। एंड 3B फाइल करने के टाइम पे जो एडजस्टमेंट एंट्री होते इनपुट आउटपुट वो हम लोग यही कॉलम देके करेंगे, ताकि वो एडजस्टमेंट एंट्री हैज टू बी टैली विद द जीएसटी 3B। ये कर लेंगे। तो ये जो एंटायर प्रेजेंटेशन जो इतना जल्दी से हम लोग देखे, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन 1 घंटे या उससे ज्यादा टाइम पे हम लोग क्लासरूम पे एकदम बिगिनिंग से ये सारा चीज हम लोग करते विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट 100%। कोई भी वहां पे मतलब ऐसा कोई इमेजिनेशन या ऐसा कोई मान लेने लेना या पकड़ लेना ऐसा कुछ नहीं है। तो इफ यू गाइज आर डूइंग प्रैक्टिस एट योर होम विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, तो आप भी अपना सीवी में लिख सकते हो कि आप भी वर्क फ्रॉम होम किए हो। बिकॉज मार्केट में ये क्लाइंट का काम नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ और, बट सिचुएशन तो आपको सेम ही जाएगा। दैट इज लाइफ ऑफ एन अकाउंटेंट, जो कोलकाता सराउंडिंग जो सीए फॉर्म बोलो या जो भी बोलो उसमें ये दरकार होता है। एमएनसी में अकाउंटिंग का एस्पेक्ट कुछ और होता है, उन लोगों का सॉफ्टवेयर अलग होता है, उन लोगों का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आज था हम लोग के तरफ से आप लोग के लिए ऑन दिस वेबिनार। आई होप कि कुछ नया चीज आप लोग को सीखने को मिला हो। तो बोलिए आप लोग को फिर क्या कहना है, कुछ डाउट्स क्वेरी अगर पूछना है तो पूछिए सर। अच्छा सपोज आपको मैं ये जीएसटी के बारे में नहीं बोला हूँ,
मैं बोल रहा हूँ टैली के बारे में, कैसे? जॉब कॉन्टेक्ट जो है, मतलब मेरा एक मेन ब्रांच है नयाटी में और मेरा दो प्रोजेक्ट है कोलकाता और हल्दिया में, तो मैं मेरे मेन ब्रांच से कितना कितना सप्लाई हुआ वो मैं मेंटेन करूंगा टैली में कैसे? तो उसके लिए सर आप ब्रांच अकाउंटिंग कर सकते हो, उसके लिए आप ग्रुप कंपनी मेंटेन कर सकते हो कि आपका मेन सर्वर अच्छा नोएडा में, आपका जो ब्रांच है वो दोनों अलग अलग आप कंपनी दे दिए हो, तो जितना आप स्टॉक ट्रांसफर करो तो स्टॉक ट्रांसफर दिखा दो, जो लोग वो रिसीव करेगा तो आप वो रिसीव इनवर्ड मान लो, तो वो तरीका होता है, उसके लिए अलग से प्लान बना के, वो भी हम लोग का क्लास का टॉपिक में है। तो उसमें अगर उसमें हमारे ये एफिलिएट मैंने फीचर्स में स्टॉक का आइटम यस करके स्टॉक में सब कुछ करना देखिए पड़ेगा, सर, मतलब स्टॉक ट्रांसफर इन्वेंटरी। भी कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी भी कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, ओके वो आपको पूरा जो आपका जो स्पेशली प्रैक्टिकल जो रिक्वायरमेंट है सर, वो आपको पूरा हाँ ब्लूप्रिंट पहले समझना होगा कि आप चाहते क्या हो, किसके पास एक्सेस हाँ रहेगा, कौन क्या एक्सेस देख हाँ पाएगा, कि आप चाहोगे कि आप हेड ऑफिस में बैठ के पूरा एक्सेस देखो, आपका जो सबॉर्डिनेट वो अच्छा खाली रिसिप्ट और पेमेंट देखे, तो ये पूरा चीज सर कॉन्फ़िगरेशन टैली में हो जाता है, आराम से हो जाता है, ओके ओके अच्छा वो भी हम लोग का कोर्स मॉड्यूल के अंदर है सर, टैली का जो कोर्स है हम लोग का उसके अंदर वो भी हम लोग वो पार्ट भी दिए, ये तो हम लोग जीएसटी के साथ अटैच था इसलिए हम ये प्रोजेक्ट लिए, अगर ऐसा हाँ कोई अगर तो वेबिनार होता जहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी प्राइस लिस्ट अगर हम लोग डिसाइड करते तो आराम से वो चीज भी हम लोग डिसाइड कर मतलब डिस्कस कर ही लेते, तो वो कोई बिग डील नहीं है अच्छा टैली में, ठीक हो जाता है सर। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, और कुछ किसी का डाउट है? कैमिलिया मैम आप अगर सुन रहे हैं मुझे तो मैम मेरा एंड से तो हो गया आज, या मौसी मैम इफ आई एम ऑडिबल टू यू मैम सो प्लीज कंक्लूड द सेशन, मेरा एंड से तो हो गया, बाकी स्टूडेंट क्वेरीज एंड स्टूडेंट्स का जो डाउट्स है देखिए एक बार, किसी कोई भी डाउट नहीं है कुछ भी तरह? Thank you.